हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम पतली सी पाइपिंग कैसे लगाते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ आप ये देख सकते हैं, हम रेडीमेड पाइपिंग जैसी पाइपिंग लगा सकते हैं, वो भी किसी भी फैब्रिक से, चाहे वो साड़ी का फैब्रिक हो या अदरवाइज कोई सा भी फैब्रिक। इस टाइप से हम गोल पाइपिंग बना सकते हैं जो कि पलटेगी भी नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग बनाई है। ये रेडीमेड पाइपिंग जैसी लुक आ रहा है। हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर गोल्डन फैब्रिक ले रही हूँ, ठीक है। तो हम नेक राउंड के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। यहाँ पर हम पाइपिंग पांच तरीके से लगा सकते हैं। पाइपिंग लगाने की पांच ट्रिक्स होती है। पाइपिंग हम पांच तरीके से लगाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया हुआ है, इसे हम सिंपली मैंने डबल फोल्ड में कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी कलर का फैब्रिक ले सकते हैं, चाहे वह साड़ी का फैब्रिक हो या कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं और इस टाइप से पाइपिंग बना सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली इसमें से हम उड़े फैब्रिक की पट्टियां निकाल लेंगे, ठीक है। इस टाइप से मैं यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टियां कट करूंगी, ठीक है। 1.5 इंच है ये हमारी, आप देख सकते हैं। डेढ़ डेढ़ इंच, ये मैंने स्केल 1.5 इंच की स्केल ले रखी है। आप बिल्कुल मेजर करके 1.5 इंच पर मार्क करके इस टाइप से उड़े तिरछा फैब्रिक को लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल शेप में इस टाइप से पहले फैब्रिक यहाँ से तिरछा निशान लगाएंगे, ठीक है। ये इस टाइप से तिरछी तिरछी पट्टी कट कर लेंगे। ये होती है हमारी उड़े पट्टी। इससे हमारा नेक में झोल नहीं आता है, पाइपिंग पलटती नहीं। अगर आप सीधा फैब्रिक लेते हैं तो वो पाइपिंग पलट जाती है और नेक में झोल आ जाता है इस टाइप से। और अगर नेक की पाइपिंग में फिनिशिंग नहीं आती तो पूरा लुक बिगड़ जाता है ड्रेस का, ठीक है। इस टाइप से हम तिरछी पट्टी कट कर लेंगे जितना भी हमें पाइपिंग लगानी है, ठीक है। इस टाइप से मैंने मार्क कर ली 1.5 इंच पर, देन इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की पट्टी कट की है। 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेना है सबसे पहले, देन इन्हें हम फिर ज्वाइन कर लेंगे। जितना भी हमारा नेक होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्ट्रिप्स कट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारी उरेप पट्टी कट कर रहे हैं, ठीक है। पाइपिंग लगाने की बहुत सारी ट्रिक्स होती है, बट ये सबसे इजी ट्रिक रहती है और इसमें हमारी पाइपिंग पलटती भी नहीं है और बिल्कुल फिनिशिंग से लुक आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारा फैब्रिक आप देख सकते हैं, पट्टी में एक साइड कम और एक साइड ज्यादा रहेगा, तो हमें ज्यादा वाली साइड से कम वाली साइड को ज्वाइन करना और कम वाली साइड से ज्यादा वाली साइड को पट्टी को ज्वाइन करना है, ठीक है। इस टाइप से हम ज्वाइन करते हुए लंबी स्ट्रिप रेडी कर लेंगे, ठीक है। और इसे सिंपली डबल फोल्ड करते हुए नेक में लगा लेंगे, ठीक है। जो ये हमारा नेक रेडी कर रखा है मैंने यहाँ पर, अब इसमें सिंपली फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे जो हमने पट्टी कट की है। ये इस टाइप से सिंपली डबल फोल्ड बराबरी से मिलाते हुए डबल फोल्ड करके यहाँ पर जितना भी हमारा नेक राउंड रहेगा इसमें सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये इस टाइप से बिल्कुल किनारी पर हम सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले हम सारी पट्टी इसको इस टाइप से ज्वाइन कर लेंगे, आप देख सकते हैं मैंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर अब इस टाइप से हम नेक में इसे अटैच कर लेंगे सिंपली डबल फोल्ड करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे सिंपली डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर अटैच कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा सबसे पहले इसे कट कर देंगे, एंड देन यहाँ पर राउंड नेक है यहाँ पर चारों साइड छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर आपका रहता है टेढ़ा धीचा, तो आप उसे कट कर दीजिए ताकि आपकी पाइपिंग पलटे नहीं। अगर जहाँ से भी हमारा फैब्रिक निकल जाता है वहाँ से हमारी पाइपिंग पलट जाती है। इस वजह से अब यहाँ पर इसे सिंपली कट लगाने के बाद यहाँ पर सिंपली अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी बिल्कुल पतली सी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना रहेगा, बिल्कुल किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इसे अंदर फोल्ड करते हुए, ठीक है। कुछ इस टाइप से फोल्ड करेंगे, जो हमारे सिलाई वाला फैब्रिक होगा उसे अंदर की साइड दबाते हुए। इस टाइप से आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। या आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारी गोल पाइपिंग बन गई है, एंड देन बहुत ही ईजी ट्रिक रहती है ये। हमारी पाइपिंग रेडीमेड पाइपिंग जैसा लुक देती है। अब यहाँ पर बिल्कुल किनारी पर ये इस फैब्रिक को अंदर की साइड लेते हुए बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई चलाना है, ठीक। इधर उधर नहीं होनी चाहिए, सिलाई फिनिशिंग से लगेगी, पाइपिंग फिनिशिंग से लगेगी, ठीक है। बिल्कुल किनारी पर ध्यान रहे, बिल्कुल किनारी पर चलाना है। जहाँ हमारा फैब्रिक ज्वाइंट है वहीं पर किनारी पर चलाएंगे,
और ये इस टाइप से हमारी पाइपिंग लग जाएगी। आप देख सकते हैं पाइपिंग कितनी फिनिशिंग से लगी है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो।